हिंदी सिनेमा के बेताज बादशाह रहे किशोर कुमार की आज 92वीं जयंती है। 4 अगस्त 1929 को आभास कुमार गांगुली के नाम से जन्मे किशोरदा अपनी आवाज के दम पर हर संगीत प्रेमी के दिल में बस गए। हालांकि 13 अक्टूबर 1987 को वे इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका संगीत आज भी हर किसी को दीवाना बना देता है। किशोरदा अपने जीवन में जहां भी गए, जिससे भी मिले, सभी के मन में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से उनका खास नाता रहा है। शहर के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उस कॉलेज में आज भी किशोरदा की यादें और उनकी आवाज़ जिंदा है। कॉलेज का कमरा नंबर 4, हॉस्टल की गैलरी और इमली का पेड़ आज भी किशोर कुमार के गीत गाते हैं। इस इमली के पेड़ के नीचे बैठकर ही उन्होंने 5 रुपया 12 आना गाने के बोल लिखे थे। सिर्फ उस हॉस्टल के कमरे और कॉलेज में ही नहीं, बल्कि किशोरदा एक तराना बनकर हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं।